हेलो दमीर साहब, खुशामदीद। हेलो, दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर मैं गलत नहीं तो आप सलीम साहब हैं, यानी हमारे ख्वाबों को आप ही सच करेंगी। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। आप इस काम को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सलीम हमारी सबसे होनहार आर्किटेक्ट है जो संभाल लेगी। बहुत शुक्रिया। चलें, आपके हुनर को भी देख लेंगे हम। देखते हैं आपका हुनर मुझ पर क्या असर डालता है। लेकिन मैंने यहाँ काम के लिए नहीं बल्कि अपने स्टाफ से मिलवाने के लिए बुलवाया है। जितना हम एक दूसरे को समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा। आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो पूरा घर अंदर से देख सकती हैं। दमीर, क्या हम बाद में बात करें? जी बिल्कुल, मैं आपसे बाद में मिल लूंगा। तो फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है। क्या कुछ लेकर आऊं? मैं कुछ नहीं, तुमसे बात करनी है अभी, बाद में मिलता हूं। लगता है किसी खास से मिलवाने जा रहे हो। किसी से भी नहीं, तुम्हें बॉस से बचाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, तुम तो जानते हो। मुझे मालूम है, अंदाजा है मुझे। आजकल फाइल्स भी ले जाती हो घर, काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया हुआ है तुमने, साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, और अब तो बोझ भी बढ़ गया है, इसलिए वीकेंड पे सारे काम करने पड़ेंगे। सही। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आजकल तो बहुत बिजी रहते हो, छुपा छुपा के काम करते हो। जब इंसान दोस्तों को फेवर देता है ना, तो वो उसे सीरियस नहीं लेते। इसी तरह किसी की मदद कर रहा हूँ। हाँ, कुछ दोस्त भरोसे के लायक होते हैं। ओह सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया मुझसे। कोई बात नहीं। और सब ठीक है? हे, चीयर्स। चीयर्स। बुराक, अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक। और तुम यहाँ कैसे? यिल्दिरम साहब के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब हम अक्सर मिलते रहे हैं। बेहतरीन, बहुत मुबारक हो। सेलीन, पहचानने में देर लग गई मुझे। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। जहाँ तक मुझे याद है, दो दफा मुलाकात हुई है हमारी। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। हाँ, कुछ भी बोले जाओ बस। कॉलेज में भी ये आदमी ऐसा ही था, हर लड़की से इसी तरह बात किया करता था। इससे थोड़ा संभल कर रहना। अरे तुम तो खामोशी रहो, ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम हमेशा से जलते हो। सलीन, तलाल के बारे में तुम्हें एक बात मैं बता दूं, कैसे बड़ा चढ़ा कर बात करने की आदत है। मुझे फिर भी ये सब सुनना है। तो ठीक है, जब हम डांस करेंगे तब मैं आपको बताऊं। हाँ, जरूर।